तो अब हम पढ़ रहे हैं एफोरिज्म नंबर थर्टी थ्री जिसमें अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो एफोरिज्म नंबर थर्टी टू में बताया था कि मेडिसिन हमेशा काम करती है कोई भी सिचुएशन हो कैसा भी टाइम हो और कोई भी लिविंग बींग हो यूमन हर एक ह्यूमन ऑर्गेनिज में काम करती है लेकिन नेचुरल डिसीज़ ऐसा नहीं करती तो नेचुरल डिसीज़ क्या करती है इन अकॉन्टे इन अकॉर्डेंस विद दिस फैक्ट इस फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें इट इज़ अनडेनाइबली सोन बाय ऑल एक्सपीरियंस तो जितने भी एक्सपीरियंसिस हमें मिले हैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए हैं उनसे ये दिखता है जिसे नकारा नहीं जा सकता जिसे हम मना नहीं कर सकते अनडेनाइबल है इनकार नहीं किया जा सकता दैट द लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिम ऑर्गेनिज्म इज मच मोर डिस्पोज्ड एंड हैज़ अ ग्रेटर लाइबिलिटी टू बी एक्टेड ऑन कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या है वो डिस्पोज है बहुत ज़्यादा और ग्रेटर लाइबलिटी होती है उसमें एंड टू हैव इट्स हेल्थ डीरेंज बाई मेडिसिनल पावर्स कि जो उसकी जो हेल्थ है जब वो हेल्दी स्टेट में है तो वो बहुत ज़्यादा लाइबल है और डिस्पोज है किससे मेडिसिन पावर से उससे डिरेंजमेंट होता है उसका देन बाय मॉरविफिक नॉक्सियस एजेंट एंड इन्फेक्शियस म्यास मतलब जब हेल्दी स्टेज में अगर हम देखें हमने पढ़ा था फॉर एग्जाम्पल नंबर थर्टी में कि जो मॉरविफिक नॉक्सियस एजेंट होते हैं मतलब जो डिसीज है जो नेचुरल डिसीज है उससे हमारी बॉडी हेल्दी स्टेट में कम अफेक्ट होती है मेडिसिन के कंपैरिजन में तो यही यहाँ बताया है और इन अदर वर्ड्स और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो दैट द मॉरविफिक नॉक्सियस एजेंट मतलब जो हार्मफुल एजेंट हैं जो एबनॉर्मल हार्मफुल एजेंट्स हैं पजस इज द पावर ऑफ मॉरविडली डिरेंजिंग मेन्स हेल्थ तो उनके अंदर एक पावर होती है कि वो मैंस की हेल्थ को डीरेंज कर सकें मतलब आदमी के स्वास्थ्य को ह्यूमन के स्वास्थ्य को डिरेंज कर सकें उसको ख़राब कर सकें दैट इज़ सब ऑर्डिनेट एंड कंडीशनल लेकिन क्या है जो मॉरफिक नॉक्सियस एजेंट हैं उनके अंदर जो क्षमता है वो सब ऑर्डिनेट है और कंडीशनल है मतलब वो अनलिमिटेड नहीं है वो अनकंडीशनल नहीं है वो हर परिस्थिति हर वक्त हर एक में काम नहीं करेगी उसकी कुछ सीमाएं हैं है, वो लिमिटेड है ऑफन वेरी कंडीशनल और हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर वो कंडीशनल ही होती है वाइल्स मेडिशनल एजेंट जबकि जो मेडिशनल एजेंट हैव एन एब्सोल्यूट अनकंडीशनल पावर लेकिन जो मेडिशनल एजेंट है उसके पास पूरी तरह से एक अनकंडीशनल पावर है ग्रेट ग्रेटली सुपीरियर टू द फॉर्मर जो कि फॉर्मर वाले से सुपीरियर है फॉर्मर मतलब मोरफिफिक नोक्सिस एजेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉगर है सुपीरियर है अब इसका फुट नोट देखते हैं अ स्ट्राइकिंग फैक्ट इन कारोबोरेशन ऑफ दिस इज एक फैक्ट दिया है दैट वाइज प्रीवियसली टू द ईयर एटीन जीरो वन एटीन जीरो वन से पहले या एटीन जीरो वन के मतलब थोड़े पहले की बात है वेन द स्मूथ स्कॉलेटिना ऑफ हेम सीडनहैम स्टिल ओकेजनली प्रिवेल्ड एपिडेमिकली अमंग चिल्ड्रन की जो सीडनहैम है वहाँ पर एक स्मूथ स्कॉलेटिना डिसीज़ है वो क्या होती थी एपिडेमिक डिसीज़ है जो कि चिल्ड्रन के जो बच्चों के बीच में ओकेजनली देखने को मिलती थी मतलब उन पर अटैक कर कर देती थी कभी किसी कभी कभी ओकेजनली मतलब एक पर्टिकुलर ओकेजन पे मतलब एक जैसे विंटर्स में आके हर बार विंटर्स में आ गई या समर्स में आ गई तो एक ओकेजनल ओकेजन occasion पे अटैक करती थी इट अटैक्ट विदाउट एक्सेप्शन ऑल चिल्ड्रन और ये बिना किसी एक्सेप्शन के बिना किसी uh, Uh, किसी को छोड़े मतलब सारे बच्चों को अफेक्ट करती थी अटैक करती थी हु हैड एक्सेप्ट इन द फॉम एपिडेमिक जो कि पिछले अपीडेमिक uh, में रह गए थे ये उनको भी अफेक्ट करती थी उनको भी अटैक करती थी इन अ सिमिलर एपिडेमिक विच आई विटनेस्ड विटनेस्ड इन कॉनिंग्स लेटर ऑन द कॉन्ट्ररी अब दूसरी तरफ क्या है कॉन्ट्ररी साइड देखें अपोजिट साइड देखें तो कॉनिंग्स लेटर में एक uh, एक केस विटनेस हुआ ऑल द चिल्ड्रन हु वेरी स्मॉल डोज ऑफ बेलाडोना कुछ बच्चों ने क्या किया छोटी क्या, क्या की उन्होंने बाय दिस हाईलीफेक्शियस इन्फेंटाइल डिसीज जो भी इन्फेन्टाइल डिसीज थी जो बहुत ज्यादा इनफेक्शियस थी स्मूथ स्कॉलेटिना समझ लो तो उसने क्या किया अफेक्ट नहीं किया इफ़ मेडिसिन कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम अ डिसीज अगर मेडिसिन बीमारी से हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं दैट इज़ रेजिंग अराउंड जो हमारे चारों तरफ बढ़ रही है या फिर हमारी तरफ हम हमला कर रही है हमें घेर रही है दे मस्ट पर जैसेजा वोस्टली सुपीरियर पावर ऑफ अफेक्टिंग अवर वाइटल फोर्स तो उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा सुपीरियर पावर है कि वो हमारे वाइटल फोर्स को अफेक्ट कर पा रही हैं तो ये था हमारा एफोरिज्म नंबर थर्टी थ्री अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना पाऊँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग